ये है ओनिडा गूगल टीवी 65 इंच 2023 का मॉडल जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका एक फुल इन डेप्थ रिव्यू। के सिर्फ फायर टीवीज ही आते थे या फिर वेडा ओएस वाले टीवी आते थे। ये पहली बार है कि ओनिडा ने एंड्रॉयड के साथ टाई अप करके गूगल टीवी लॉन्च किए हैं। 32 इंच से लेके 65 इंच तक इनफैक्ट सारे टीवी आए हैं। जो 32 इंच के हैं वो आई थिंक एंड्रॉयड पे है, लेकिन उससे ऊपर के सभी मॉडल आपको गूगल टीवी के साथ मिलने वाले हैं। उन्हीं में से एक 65 इंच का मॉडल मेरे पास है। 65 इंच की अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूँ और यही रिव्यू एप्लीकेबल रहेगा बाकी सब साइजेस के लिए, 55, 75 या फिर 50, 43 इंच 4K, क्योंकि लगभग सिमिलर ही परफॉर्मेंस और सिमिलर ही पिक्चर क्वालिटी इसमें रहने वाली है बाकी सब मॉडल्स में भी। टीवी बहुत ही शानदार निकला है अगर आप एक वर्ड में रिव्यू चाहते हैं तो, लेकिन इस वीडियो में आपको और भी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो मेहनत से बनती है, ऐसी नहीं बन जाती। इस वीडियो को बनाने में भी 3-4 दिन लग गए। 65 इंच के मैमथ टीवी को उठाने में बहुत दम लग जाती है, 4 लोग लगते हैं उसको उठाने में। तो सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि आप आने वाली एक और ओनिडा 32 इंच वाली वीडियो को मिस ना करें, वो भी हमारे चैनल पर आएगी। और अगर आपको ये टीवी खरीदनी है तो यू कैन जस्ट बाय इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे खरीद सकते हैं। 65 इंच की इस टीवी का प्राइस है 50,000 रुपीज। ओ माई गॉड, अमेजिंग प्राइस पॉइंट पर अमेजिंग टीवी विद एवरीथिंग इज ग्रेट इन इट। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सर, सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग काफ़ी सिंपल थी, यू कैन ईजिली अनबॉक्स इट। वैसे आपके इंस्टॉलेशन वाले भैया आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन करके देंगे, लेकिन अगर फिर भी करना चाहते हैं तो सिंपल बॉक्स पिक करके इसमें आप थैली को निकाल के स्क्रूज कस के आप कर सकते हैं। दो लोगों की मदद ले लेना, वैसे खुद नहीं करना है आपको, इंस्टॉलेशन वाले आएंगे, दो लोग ईजिली आपका कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें आपको आने वाली नहीं है। बॉक्स में आपको मिलता क्या है, रिमोट मिलता है, उसके अलावा एक आपको एवी केबल मिलती है, एक वॉल माउंट भी आपको फ्री मिल जाता है, बैटरीज एंड दैट्स इट। यूजर मैनुअल एंड क्विक शॉट गाइड जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग प्रो लोग हैं, ठीक है। इसके 3 मॉडल आते हैं जो जिन लोगों ने बताया मैं बता दूं। एक तो सिंपल वाला, लेकिन अगर आप साउंड और बेटर चाहते हैं तो आपको एक कीवाई रॉक एडिशन आएगा जिसमें आपके पीछे छोटे से स्पीकर्स लगे होंगे, स्पीकर्स नहीं कहूँगा, एक साउंड सिस्टम लगा होगा जो कि एक सिंगल केबल से कनेक्ट होगा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको देने वाला है, साउंड बहुत अच्छे से इनहेंस कर देगा। तीसरा है थिएटर वाला, आई एम नॉट श्योर कि वो थिएटर वाला किस किस साइज के साथ अवेलेबल है या फिर अवेलेबल नहीं है, बट मैंने उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है एंड यू कैन चेक आउट मोर अबाउट दोज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं कि सिंपल पील्स किए मैंने, इसके पील्स करने के बाद मुझे 2-3 चीज़ें जो लगी रिमोट की, पोर्ट्स की और ऑडियो वीडियो क्वालिटी की, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं पोर्ट्स की। तो सबसे पहले आपको एक USB 2.0 का पोर्ट मिलता है, उसके नीचे एक USB 3.0 का, एक LAN पोर्ट मिल जाता है, आपको एक एंटीना पोर्ट मिलता है, उसके बाद 3 HDMI, एक AV-IN का, मिनी AV-IN का पोर्ट है, आपको एक केबल दी गई है बॉक्स के अंदर ही जिससे आप इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेट टॉप बॉक्स अगर इससे कनेक्ट करना चाहते हैं फॉर सम रीज़न तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक आपको हेडफोन आउट का पोर्ट भी मिल जाता है। तो पोर्ट सारे सफिशिएंट हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओनिडा गूगल टीवी के रिमोट की। ये बहुत ही शानदार रिमोट है। किसी भी गूगल टीवी में अगर आप रिमोट देखोगे तो उसमें नंबर बटन नहीं देखने को मिलते हैं, इसमें आपको नंबर बटन देखने को मिले गए हैं। साथ में आपके 4 कलर की वाले बटन भी दिए गए हैं जिससे कि आप इसे सेट टॉप बॉक्स को जब कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। 4 हॉटकीज मिलती हैं आपको, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और ऐप्स की, जिससे आप चारों ऐप्स में, मतलब ऐप्स में जाके सारे ऐप्स इकट्ठे कर सकते हो। नीचे आपको डी पैड मिलता है, होम बटन मिलता है, इनपुट का बटन, स्मार्ट का बटन, चैनल प्लस माइनस, वॉल्यूम प्लस माइनस, उसके अलावा आपको टीवी का बटन मिल जाता है, यूज़र सेंटर, गूगल असिस्टेंट का बटन, सबसे ऊपर पावर और म्यूट का बटन। रिमोट मेरे हिसाब से बहुत सही है, नीचे ओनिडा की ब्रांडिंग भी है। पीछे की साइड इसमें लिखा हुआ है कि फॉर स्टडी परफॉर्मेंस यूज़
1.5 वोल्ट एल्कलाइन ट्रिपल ए बैटरीज, मतलब आप अच्छी क्वालिटी की बैटरी यूज़ करें तभी ये अच्छे से स्टडी परफॉर्मेंस देगा, नहीं तो हो सकता है आपको दिक्कत दे। मेरे को तो अब तक कोई दिक्कत नहीं दिया है, आई होप आपको भी ना दे। तो रिमोट बहुत शानदार है, 10 में से 10 मेरी तरफ से। दोस्तों टीवी को सेटअप करने के बाद जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये थी कि टीवी सबसे पहले तो बहुत बड़ा है, एंड फॉर दिस बड़े टीवी को रिव्यू करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें लगने वाली हैं। सबसे पहले तो इसको सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए ओरिजिनल गूगल टीवी बहुत ईजी रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन को निकालना है, स्कैन करना है गूगल एम के आपको खोल के QR कोड को, एंड इट विल बी सीमलेस एज इट गेट्स। आपको सिंपल लॉगिन हो जाएगा, आपके ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाएगा एंड आपकी टीवी सेटअप हो जाएगी। आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो में भी आजकल स्कैन करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूजर इंटरफेस एंड ऑडियो वीडियो क्वालिटी का टेस्ट। तो यहाँ पर टीवी हो गई है सेटअप, आप दोनों ही कैमरा एंगल्स से देख पा रहे होंगे, फ्रंट कैमरा से और साइड कैमरा एंगल से। जो इनका यूजर इंटरफेस है, ओनिडा ने पहली बार गूगल एंड्रॉयड के साथ टाइप किया है और गूगल टीवी का लेटेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें जो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है वो हो रहा है ओनिडा का नेक्स्ट जी प्रोसेसर, जो कि ओनिडा प्रोमिस कर रहा है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको देने जा रहा है। इसमें आपको 2GB की रैम और 16GB की स्टोरेज मिलती है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा और सभी चीज़ों को फास्टर परफॉर्मेंस के लिए काम आने वाला है। और सुबह से करीबन 12 घंटे से मैं इस टीवी को टेस्ट कर रहा हूँ एंड इट हैज़ नेवर लाइक एक छोटा सा हिकअप भी इस टीवी में अब तक नहीं आया है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग स्मूथ एंड फास्ट। जो ऐप ओपनिंग टाइम है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आपके सामने दिखा देता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स आपके सामने खोल रहा हूँ एंड यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू ओपन नेटफ्लिक्स इन दिस ओनिडा गूगल टीवी। जो नॉर्मल एंड्रॉयड गूगल टीवी का टाइम रहता है वो करीबन करीबन 15 से 20 सेकेंड रहता है नेटफ्लिक्स का, एंड आई एम होपिंग कि अगर ये 20 सेकेंड के अंदर अंदर खोल दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये देख लीजिए 15 सेकंड के आसपास खुल गया है, विच इज़ फास्ट। आई थिंक आई विल गिव इट अ पास एंड बहुत फास्ट ही कहूँगा मैं इसको। इजी कनेक्टिविटी इसमें आपको मिलती है, टू वे कनेक्शन मिलता है आपको इसमें ब्लूटूथ में। जैसे आप रिमोट में बटन दबाते हैं, एक स्मार्ट का बटन दिया गया है, जैसे आप उस बटन को दबाते हैं नीचे कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे कि एंजॉय म्यूज़िक, फास्ट कास्ट, क्रोम कास्ट इसमें बिल्टिन आपको मिल जाता है। लेकिन फास्ट कास्ट क्या है, बेसिकली आप और भी चीज़ें लाइक अपने लैपटॉप को स्क्रीन को या फिर किसी एप्पल डिवाइस को या फिर फ़ोन की स्क्रीन को थोड़ा इजीली कास्ट कर पाते हो। क्रोम कास्ट में क्या है, यू हैव टू ओपन गूगल होम ऐप देन यू कैन क्रोम कास्ट। इसमें आईफोन शेयर कास्ट, लोकल मीडिया, QR कास्ट, विंडोज़ PC का कास्ट, हॉटस्पॉट्स का कास्ट, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इसलिए फास्ट कास्ट थोड़ा बेटर रहता है। बाकी इसमें एक एंजॉय म्यूज़िक वाला ऑप्शन भी है। बेसिकली टू वे ब्लूटूथ इसमें मिलता है। होगा क्या कि टीवी के स्पीकर्स को आप एज अ ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ कर सकते हो, बस अपने फ़ोन में जाइए और कनेक्ट कीजिए, टीवी के स्पीकर्स को सेलेक्ट कीजिए और जो भी आप अपने फ़ोन में चलाएंगे वो इसमें चलने लगेगा। बाकी इसमें वर्ड क्लॉक, नाइट मोड, ये सब तो आते ही हैं। बहुत सही लगा है मुझे। इसमें पिक्चर क्वालिटी के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले UI के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें बता दूं मैं। इसमें आपको नेक्स्ट जी कैम का सपोर्ट मिलता है, तो आप नए ओनिडा का कैमरा को लगा के इसमें ईजिली वीडियो मीटिंग्स अपनी रन कर सकते हो गूगल मीट के ज़रिए, तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा क्रोमकास्ट का सपोर्ट मिलता है विद दिस नेक्स्ट जी प्रोसेसर एंड 2GB रैम एंड 16GB स्टोरेज, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इट हैज़ नेवर मिस्ड सुबह से। तो अब गूगल टीवी की खासियत ये होती है कि सारा कंटेंट बाहर ही निकल के आ जाता है। रात के बज रहे हैं 1:30 और इस समय चल रहा है इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का फर्स्ट टेस्ट का तीसरे दिन का तीसरा सेशन, तो वो भी आप बाहर ही दिख जाता है। मिशन मंगल आ रहा है तो बाहर ही दिख रहा है। आज ही मिशन मंगल क्यों आ रहा है पता है आपको, क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और उसका वो दिखा रहे हैं। कॉलेज रोमांस ये सोनी लिप पे आया है, तो बाहरी होम स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की जाती है आपको, ताकि आपको एक क्यूरेटेड कंटेंट बाहरी दिख जाए। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच एनीथिंग यू डोंट हैव टू गो इनटू अ सर्टेन ऐप एंड प्ले दैट कंटेंट एंड सर्च फॉर दैट कंटेंट, आपको होम स्क्रीन पर ही दिख जाएगा और वहीं से प्ले कर लीजिए। आपका कंटिन्यू वॉचिंग भी इसमें रहता है, जैसे कि द गुड डॉक्टर देख रहा हूँ मैं नेटफ्लिक्स पे, बिग बैंग थ्योरी देख रहा हूँ, वो सब नेटफ्लिक्स का कंटेंट यहीं पर आपको दिख
दिखा देते हैं। तो ये चीज़ भी गूगल टीवी की बहुत अच्छी लगती है मुझे। एंड इसमें MEMC का सपोर्ट भी दिया गया, वो मैं आपको पिक्चर क्वालिटी में आके आगे बताऊंगा, वो कोई इशू नहीं है। लेट्स डायरेक्टली जंप टू द पिक्चर एंड ऑडियो क्वालिटी, बिकॉज यूजर इंटरफेस में ऐसा और कुछ खास मुझे फील नहीं हुआ। यूजर सेंटर आपको मिलता है ऑब्वियसली, जैसे आप यूजर सेंटर दबाएंगे तो अपनी प्रोफाइल्स चूज कर सकते हैं कि कौन सी प्रोफाइल में आपको जाना है, और मल्टीपल अकाउंट्स यूज कर सकते हैं, किड्स अकाउंट सेट कर सकते हैं, देयर मल्टीपल थिंग्स जो कि आपके काम आएंगी। लेट्स जंप टू द पिक्चर क्वालिटी पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट ऑफ ओनिडा गूगल टीवी 65 इंच का मॉडल है। वैसे ये टेस्ट बाकी सारे मॉडल्स पर भी एप्लीकेबल रहेगा, 43 इंच 4K से ऊपर वाले सभी मॉडल्स पर 75 इंच तक आते हैं। ओके, सबसे पहले 4K अल्ट्रा HD का ये पैनल है जो कि डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमोस को सपोर्ट करता है। डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमोस का टेस्ट हम बाकी आगे करेंगे नेटफ्लिक्स में चला के, अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इसकी पिक्चर सेटिंग डायनेमिक मोड पर सेट है, तो आप इतने ज़्यादा अच्छे ब्लैक लेवल्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आपको स्टैंडर्ड मोड पर आना पड़ेगा क्योंकि अभी टीवी फुल लगभग फुल ब्राइटनेस और फुल बैकलाइट पर चल रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये पिक्सा विजुअल इंजन इन्होंने लगाया है जो कि चीज़ों को अच्छे से दिखाता है, विजुअल एक्सपीरियंस को अच्छा करता है और लाइफ लाइक पिक्चर क्वालिटी और रिच कॉन्ट्रास्ट ऑफ पिक्चर कलर्स दिखाता है। ये तो ओनिडा कह रहे हैं ना, हमें जो दिख रहा है वो मैं बताऊंगा आपको कि इस टीवी के कलर्स बहुत अच्छे हैं। ओके, मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन जब मैंने ओनिडा की फैक्ट्री विजिट करी थी लास्ट ईयर, उन्होंने मुझे एक टीवी दिखाया था 65 इंच का, एंड उसमें कोई और OS था, उसमें गूगल टीवी नहीं था, वो लास्ट ईयर का मॉडल था। उसकी जो पिक्चर क्वालिटी लगी थी ना मुझे, मैं पागल हो गया था सीरियसली देख के कि बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी थी। उससे भी बेटर पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर आपको इस टीवी में देखने को मिल रही है जो कि एब्सोल्युटली अमेजिंग है। ब्लैक लेवल्स का मुझे पता है आप बार बार कहोगे, तो एक बार मैं सेटिंग्स में जाके स्टैंडर्ड मोड पर कर ही देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मालूम ही पड़ जाए कि डायनेमिक मोड की वजह से ब्राइटनेस बिल्कुल ही फुल हो चुकी है। देखिए मैं यहाँ से इसको नॉर्मल मोड में सेट कर देता हूँ। वैसे इसमें आई प्रोटेक्ट मोड भी आता है जिससे कि आपके आईज पे इतना स्ट्रेट नहीं पड़ेगा, वो ब्लू लाइट को थोड़ा सा कट करेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हुई एंड इट लुक्स अमेजिंग, स्किन टोन्स लुक्स अमेजिंग, कलर्स लुक्स अमेजिंग, कलर्स जो पिक्सा विजुअल इंजन कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस का एडजस्ट करके दे रहा है वो भी बहुत मस्त आ रहा है। HDR10 HLG डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस सब चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। तो अगर आप कंटेंट को OTT एप्स पर देख रहे हैं या फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल्स पर देख रहे हैं, सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करके देख रहे हैं, सब इसमें मस्त होने वाला है। 1080p की भी अपस्केलिंग इसमें काफ़ी हद तक होती है और उसमें भी एक्सपीरियंस आपका बहुत सही होने वाला है। थोड़ा सा मैं ना आपको MEMC की टेक्नोलॉजी का बता दूं कि सेटिंग्स में जाके आप उसे टर्न ऑफ कर सकते हो, लो हाई वगैरह सेट कर सकते हो, ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। वैसे नॉर्मल MEMC काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, मैं सुबह से इसमें इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच देख रहा हूँ शाम से, एंड वो जो बॉल की मूवमेंट है ना वो भी MEMC की वजह से बहुत अच्छी हो जा रही है। वैसे MEMC का आप थोड़ा सा और आइडिया लगा सकते हैं इस वाले सीन में, थोड़ा फास्ट मूविंग सीन है ड्रोन वाली फुटेज का, कितना स्मूथ चल रहा है यार, बिलीव मी बहुत मज़ा आ जाएगा आपको अगर फास्ट मूविंग कंटेंट या स्पोर्ट्स कंटेंट आप इसमें देखने वाले हैं। थोड़ा सा नेटफ्लिक्स पर भी टेस्ट करके देखते हैं। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस का लोगो, ऊपर आप देख पा रहे होंगे, तो जो भी नेटफ्लिक्स पर कंटेंट है वो डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस में अगर अवेलेबल है तो आपको ऑप्शन आ जाएगा प्ले करने का, आप इजीली प्ले कर सकते हैं। लेट्स प्ले समथिंग विच इज़ इन डॉल्बी विजन ताकि थोड़ा सा और अच्छे से आपको आइडिया लगा पाएं कि डायनेमिक रेंज इस टीवी का कैसा है और कैसे मतलब HDR कंटेंट प्ले करने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डॉल्बी विजन का ऊपर लोगो आया क्योंकि ये डॉल्बी विजन सपोर्टेड कंटेंट है और डॉल्बी विजन सपोर्टेड टीवी है। डॉल्बी विजन जब चलाते हैं तो कई बार ब्राइटनेस बहुत कम हो जाती है टीवियों की, बट यहाँ पर 1% भी नहीं। मैं भैया नॉर्मल मोड पर टीवी सेट कर रखी, डायनेमिक मोड पर तो और ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो दिस टीवी इज़ ब्राइट इनफ, यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम विद द ब्राइटनेस इन दिस टीवी, इवन इन HDR कंटेंट और डॉल्बी विजन कंटेंट आपको बहुत ब्राइट दिख रहा है, और ब्राइट होने के साथ साथ कलरफुल भी दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे बहुत सही कलर्स हैं। आई विल टोटली वॉच, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है HDR टीवीज में या डॉल्बी विजन टीवीज में, जब भी हम नेटफ्लिक्स पर चलाते हैं थोड़ा बहुत ब्राइटनेस तो डाउन जाती है, अगर ब्राइट सीन्स में नहीं तो डार्क सीन्स में। ये ब्राइट सीन्स वाले हैं कुछ डार्क सीन, अगर मेरे को कहीं इस शो में तो आई थिंक नहीं है कुछ भी, अगर कोई डार्क सीन हो तो शायद थोड़ा सा आइडिया लगे, शायद इसमें शायद थोड़ा सा आइडिया लग जाए आपको। डार्क सीन्स जो होते हैं अगर आप DC की मूवी देखोगे ना HDR में, वहाँ पर भी डिटेलिंग
दिख जाएगी। देखो बालों में डिटेलिंग देखने करो, डार्क एरियाज में अगर आप देखोगे डिटेलिंग दिख रही है, मस्त है। मेरे हिसाब से आई विल टोटली वॉच एनी HDR कंटेंट, क्योंकि इसमें सारे HDR कंटेंट सपोर्टेड भी है ना। हाइब्रिड लॉक गामा सपोर्टेड है, HDR 10 प्लस सपोर्टेड है, इसके अलावा डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमोस सपोर्टेड है, तो एकदम अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिलने वाला है इवन इन HDR फॉर्मेट्स। ओके, तो वीडियो क्वालिटी का टेस्ट आपने देख लिया, आई विल गिव 9.9 out of 10 ईजिली। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता ना सर, 65 इंच है जो इशू मुझे लग रहा है कि जितना पास आप जाते हो उतना धुंधला दिखता है, बिकॉज इट्स 4K ओनली ना। अब 65 इंच में 4K देखोगे तो जो व्यूइंग डिस्टेंस है ना वो एटलीस्ट आपकी 4 feet से दूर ही होनी चाहिए। 4 feet से पास जाके देखोगे तो पिक्सलेशन दिखेगा ही दिखेगा, वो आपके हाथ में नहीं, क्योंकि टीवी का साइज बहुत बड़ा है। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट 43 inch and 55, दिस विल बी शार्प इनफ अगर आप 2 feet, 1.5 feet के पास भी चले जाओगे। लेट्स प्ले सम ऑडियो एंड टेस्ट द ऑडियो ऑफ दिस टीवी, जो कि डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आती है और 30 watt के स्पीकर जिसमें दिए गए हैं। माफ कीजिएगा, सैंपल साइज थोड़ा सा छोटा था, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सुबह से कम 15 घंटे से इसके ऑडियो को टेस्ट कर रहा हूँ, जियो सिनेमा पर मैच देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स में गुड डॉक्टर के 3 episode देख लिए, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस टीवी क्वाइट अ बिट। जो बड़े बड़े कंपनीज काम कर रहे हैं, देखो मैं किसी कंपनी का नाम लेने से डरता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े कंपनीज काम कर रहे हैं, सोनी सैमसंग LG और भी बहुत करते हैं, उनसे बहुत अच्छा काम यहाँ पे ऑनडा करके दे रहा है। डिस्टॉर्शन बहुत कम या जीरो कहूँगा मैं, 90, 100 कितने भी वॉल्यूम ले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टीवी बहुत ज़्यादा लाउड जा रही है कि भैया मोहल्ला हिला दे, नहीं, दिस टीवी इज़ नॉट गेटिंग खतरनाक तरीके से लाउड, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। एक 300 स्क्वायर फीट के रूम, जो कि 15x20 होता है, 15 feet x20, आराम से लाउड इनफ वॉल्यूम रहेगी 50 वॉल्यूम पर भी। 100 पर चले जाओगे तो और बड़े रूम में भी इस टीवी को आराम से यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो बाकी और ब्रांड्स लाते हैं वो आवाज़ को लाउड कर देते हैं और जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन पैदा होता है। ओनिडा का ये टीवी बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, हाइज इसके अमेजिंग हैं, बल्कि हाइज पर थोड़ा बहुत और थोड़ा सा पंची बेस आपको फील होगा इस टीवी में। तो ऑडियो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, 10 out of 10 फॉर अ टीवी। लेकिन इफ़ यू वॉन्ट मोर यू कैन गो फॉर द KY रॉक एडिशन ऑफ दिस टीवी और थिएटर एडिशन ऑफ दिस टीवी, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने अलग से वीडियोज भी बनाई हुई हैं फॉर दोज स्पीकर्स मॉडल्स, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं। यू कैन चेक आउट मोर अबाउट दैम इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो ये था ऑडियो, ऑडियो मस्त है, वीडियो मस्त है, गूगल टीवी का एक्सपीरियंस तो मस्त है ही, एप्पल टीवी के सपोर्ट के साथ आ रहा है। विच आई डोंट लाइक दैट अबाउट दिस टीवी इज थोड़ा सा ना बेजल्स, जो कहा गया था हमको कि बहुत ज़्यादा कम होंगी, उतनी कम तो नहीं है। देखो जो बोला था कि 1 mm के आसपास बेजल है, उतनी कम तो नहीं है, बट हाँ बहुत मिनिमलिस्टिक बेजल्स हैं। आई थिंक दीज आर अराउंड 3 mm और 2 mm के आसपास जो मुझे दिख रही हैं, 1 mm तो नहीं है, 2 या 3 mm तो कम से कम है। तो थोड़ा सा मन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही बेजललेस टीवी आने वाला है, ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल बेजललेस टीवी होते हैं उससे बेहतर है डेफिनेटली, बट एकदम 1 mm वाला सीन तो नहीं है। बट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि 65 inch का टीवी है ना, तो 90s 98 बहुत तगड़ा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो चला जाता है इस टीवी का। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, 65 इंच का लें, 75 इंच का लें, 55 इंच का लें, सबका एक्सपीरियंस लगभग ऐसा ही रहने वाला है। बाय द वे 32 इंच में जो एंड्रॉयड रहेगा वो गूगल टीवी नहीं रहेगा, तो उसकी अनबॉक्सिंग भी आपको कल मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टीवी अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई। इसका 43 इंच 4K का मॉडल कैड आने वाला है प्राइस पॉइंट पर, बाकी सभी प्राइस पॉइंट पर कैड आ रहे हैं। 12,000 रुपये में वो 13 इंच का एंड्रॉइड टीवी दे रहे हैं और बहुत ही सही स्पेसिफिकेशंस के साथ में। इनका जो नेक्स्ट जी का प्रोसेसर है उसके तो क्या ही कहने, एवरीथिंग इज स्मूथ, बिल्कुल भी दुकान नहीं है टीवी। एक इशू जो मैं कौन देखो, हर चीज़ अच्छी तो नहीं होती परफेक्ट, इसमें जो मुझे कोई छोटा सा इशू ये लगा है कि रिमोट में बैटरीज अच्छी डालनी पड़ेंगी, नई बैटरीज
मैंने एक दो घंटे के लिए पुरानी बैटरीज डाली और मुझे इशू आने लग गया था। बैटरीज बिल्कुल न्यू ब्रांड होनी चाहिए और पावरफुल बैटरीज होनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ा बहुत रिमोट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, याद रखना, क्योंकि ब्लूटूथ रिमोट है और बहुत हैवी रिमोट है, बहुत सारे बटन्स हैं उसमें। बाकी तो एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फॉर दिस प्राइस यू कैन नॉट गेट बेटर दैन दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट द वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू।